हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ टू मेक व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब हिंदी में आप इसको कह सकते हैं एक तरह से ये किस्मत का पहिया, एक तरह से गेम होता है। तो पहिया मतलब आप टायर भी बना सकते हैं, इस तरीके से फोटो लगा सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून बना करके, उसके अंदर कोलार्ज की तरह भी आप इसको बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखने वाले हैं राजू गोयारी। इन्होंने लिखा है कि किस तरह से हम व्हील ऑफ फॉर्चून बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। और इसके अलावा एक और दोस्त हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर लिखा है, यासिन रोमान ने। इन्होंने पूछा है, इन्होंने फोटो का पूछा है कि इस तरह से गोल जो पहिया है एक तरह से, ये इसके अंदर ये फोटो किस तरह से लगाई हुई है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा फोटो के आसपास सर्किल के अंदर नाम कैसे लिख सकते हैं ये भी हम देखेंगे। और एक नहीं, मैं इसके अंदर एक से ज्यादा तरीके आपको बनाने के लिए बता। तो आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैंने क्या किया है, न्यू अनटाइटल्ड वन डॉक्यूमेंट लिया है। इस वीडियो के अंदर हमारे एक चीज काम आने वाली है, वो है डिग्री। यानी कि देखिए, ये यहाँ पर इलिप्स में बना रहा हूँ, शिफ्ट के साथ में दबा करके बनाऊंगा तो पूरी तरह से गोल बनेगा। यहाँ पर ये जो इलिप्स है पूरा का पूरा, ये 360 डिग्री का सर्किल है, 360 डिग्री बनता है इसके। और यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल लेकर के बनाऊं तो इसके चारों कोने जो है वो 90 90 डिग्री के, 90 90 और 90 डिग्री के, इन चीजों को आपको पता होगा। तो ये 90 90 डिग्री के कोण है, एक तरह से हिंदी में कोण बोलते थे हम तो। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए पॉलीगोनल टूल जो है, इससे अगर स्लाइड्स के अंदर आप तीन लिखें और जो कलर ब्लैक आ रहा है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक और फिल का। तो तीन साइड्स रखने के बाद में ये यहाँ पर एक तरह से ये है त्रिभुज। तो ये यहाँ पर है त्रिभुज, इसके तीनों कोने ट्रेंगल जिसको आप बोल सकते हैं, ट्रेंगल। तो इसके अंदर तीनों जो कोने हैं वो 60 60 डिग्री के हैं, तो ये 60 60 डिग्री का यहाँ पर बनता है। तो ये तो हम बात करेंगे आगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक लाइन लेके आता हूँ, लाइन टूल से। आप इस वीडियो पूरा एक बार देखें, उसके बाद में आप साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, रेफरेंस के लिए दोबारा से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। जो आपको बेस्ट लगे और जो आपको समझ में आए उस तरीके से आप बना सकते हैं। सभी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे फिर। तो देखिए, यहाँ पर मैं लाइन टूल ले रहा हूँ। लाइन टूल लेने के बाद में यहाँ पर क्लिक किया और नीचे की तरफ साइड में इस तरह से लाइन बना रहा हूँ। अभी ये जो लाइन बन रही है, कोई बटन नहीं दबा रखा है मैंने कीबोर्ड का, जो लाइन बन रही है देखिए यहाँ पर, साथ में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है एक्स्ट्रा की, इसके अंदर एक तो लेंथ है नीचे वाला और ऊपर वाला, यहाँ पर ये 78.2 डिग्री, ये कोण यहाँ पर बता रहा है, लाइन इतने डिग्री के ऊपर है अभी, माइनस के अंदर। ऊपर यहाँ पर लेंगे तो ये प्लस के अंदर, यानी कि जो यहाँ से ऊपर की साइड में होता है आपको पता होगा, तो ऊपर वाले प्लस के अंदर और जैसे हम नीचे वाले के अंदर जाते हैं ये सब माइनस के अंदर होते हैं, तो ये हमें लाइन बता रही है। तो शिफ्ट का अगर बटन आप दबाएंगे तो लाइन सीधी रहेगी और ये 45 45 डिग्री से यहाँ पर ये लाइन जो है इस तरह से आगे बढ़ रही है शिफ्ट के साथ में। तो आप शिफ्ट के साथ में इसको सीधा करें, 90 डिग्री के ऊपर ये लाइन आ गई। फिर उसके बाद में एक और लाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, फिर यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, तो इस लाइन को यहाँ से आप मैन्युअली भी ले सकते हैं, कितने डिग्री पे आपको रखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो सर्किल हम बनाएंगे, अब आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमने मान लीजिए अभी जो लाइन बनाई है ये हमारी लाइन है, थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप एंड रिपीट का यूज लेने वाला हूँ, तो अगर आप स्टेप एंड रिपीट के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टेप एंड रिपीट का वीडियो जरूर देखें। यहाँ पर ये जो लाइन मैंने ली है, कंट्रोल अल्ट के साथ में टी दबाने के बाद में इसको थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट के साथ में घुमा रहा हूँ, अभी 45 डिग्री पे है। आप डिग्री अपनी मर्जी से भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 30 डिग्री वगैरह, तो मैं 30 पे रख रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा, फिर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टी के साथ में पूरी तरह से, ये स्टेप एंड रिपीट का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको सही से बताया था कि किस तरह से हम यूज में ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लाइनें बना ली, सबको सिलेक्ट करेंगे, इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से मैंने इनका ग्रुप बना दिया। अब यहाँ पर मैं इलिप्स बना रहा हूँ, ये इलिप्स बनाया, शिफ्ट के साथ में इलिप्स बनाएंगे तो पूरी तरह से गोल होगा, अदरवाइज ये अंडाकार भी हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर हम सेंटर में लेके आएंगे और उसके बाद में
ग्रुप जो है उसको मैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और फिर ये जो इलिप्स है इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, रेड कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ आपको वैसा ही सर्किल नजर आ रहा होगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर एक तरह से बना सकते हैं, ये एक मैंने मैनुअल तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब हम दूसरा तरीका ले रहे हैं, और वो तरीका हम ले रहे हैं यहाँ पर पॉलीगोनल टूल से ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज हम बनाएंगे। तो शिफ्ट के साथ में त्रिभुज यहाँ पर मैंने बना दिया, ये त्रिभुज है। कलर आप चाहें तो बाद में यहाँ से इसका चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसका कलर रख लेता हूँ रेड, साइज इसकी थोड़ी बड़ी कर देंगे, और इसके जो यहाँ पर बॉर्डर है वो भी मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर का कलर भी साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ये कलर मैंने ले लिया। वो जो मैंने अभी लाइन टूल से बनाया था आप वैसे भी बना सकते हैं, और ये 60 डिग्री के ट्रायंगल से आप बनाना चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी, ये कैसे भी बना सकते हैं। तो कंट्रोल अल्ट और टी मैं दबा रहा हूँ, और ये जो पॉइंट है इसको बीच में यहाँ पर मैं लेके आता हूँ। अगर ये स्टेप एंड रिपीट जो मैं बार बार कर रहा हूँ ये आपको पता नहीं चल रहा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद मैं इसको शिफ्ट के साथ में थोड़ा सा घुमाऊंगा और 60 डिग्री तक घुमाऊंगा, उसके बाद में डबल क्लिक कर दूंगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के साथ में टी दबाऊंगा बारी बारी से, तो ये अपने आप सर्किल की तरह घूम जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट के साथ में कंट्रोल जी से ग्रुप बना रहा हूँ, और यहाँ पर इलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कलर जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर इलिप्स बनाते हैं, इलिप्स को ऊपर लेके आते हैं, ग्रुप को ऊपर लेके आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको क्लिपिंग मास्क बना देंगे। फिर उसके बाद में जो इलिप्स बनाए इसको कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट करेंगे, नीचे वाले इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको थोड़ा यहाँ पर इस तरह से बड़ा करते हैं, पूरा ही मैं बड़ा कर लेता हूँ इन सब को सिलेक्ट करने के बाद, थोड़ी सी इनकी साइज ज़्यादा कर लेते हैं। इसकी साइड में जो इलिप्स है कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाने के बाद में इसको छोटा कर लेते हैं, बीच में रखते हैं इस तरह से, और ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। और जो बीच में हमने इलिप्स बनाया है इसका बॉर्डर स्ट्रोक हम यहाँ से दे देते हैं व्हाइट कलर के, साइज भी बढ़ा देते हैं, और बार वाला जो इलिप्स है उसको हम थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं यहाँ से ब्लैक वगैरह के अंदर, साइज बढ़ा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये तैयार हो गया। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताऊं, जो मैंने बताया था व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है उसके अंदर ये शायद कुछ गेम होता है, इसके अंदर कुछ नंबर भी वगैरह लिखे हुए रहते हैं, तो आप यहाँ पर अगर नंबर वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं रफली यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5, और इसी तरह से आपको सर्किल में लिखना है तो एक नंबर यहाँ पर लिखें, फिर कंट्रोल अल्ट टी, और ये पॉइंट बीच में सेंटर में लेके आएंगे, और फिर इसको घुमा देंगे 60 डिग्री पर, और कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी के साथ में सभी के अंदर ये नंबर आ जाएगा। ये एक नंबर लिखा है, इसी तरह से आप दूसरे नंबर भी लिख सकते हैं, तो सेम ऐसे ही हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम फोटो लगाएंगे, अब इसके अंदर फोटो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ग्रुप को, ग्रुप वन नाम से जो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वीडियो जरूर देखें, जो हमने बेसिक फोटोशॉप के अंदर बनाया था, तो वो आप देखेंगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आप जान पाएंगे। यहाँ पर मेरे पास में ये कुछ फोटोज हैं और इनको हम यहाँ पर लगाएंगे। फोटो के लिए क्या करेंगे, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे जिस ट्रायंगल के अंदर लगानी है, जैसे कि इसके ऊपर लगानी है, तो ये ग्रुप है इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये एक एक लेयर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर देखिए जो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है इसके अंदर ग्रुप के बजाय आप अगर लेयर सेलेक्ट करेंगे तो क्लिक करते ही ग्रुप सेलेक्ट नहीं होगा, फिर लेयर सेलेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करने के बाद में ये लेयर सेलेक्ट किया, अब यहाँ से एक फोटो लेके आएंगे, ये फोटो लेके आए, फोटो को थोड़ा यहाँ पर बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल अल्ट के साथ में जी दबाएंगे तो फोटो इसके अंदर चली जाएगी। इसका भी आप बेसिक फोटोशॉप के अंदर वीडियो देख सकते हैं, ये क्लिपिंग मास्क की मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल अल्ट के साथ में जी का, फिर ये फोटो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ।
इसी तरह से एक और फोटो मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरी फोटो लेके आएंगे, ये फोटो, और डबल क्लिक, फिर उसके बाद कंट्रोल अल्ट के साथ में जी, और फिर यहाँ पर एक और फोटो लेके आएंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद में। ये सब फोटो इस तरह से लगाने के बाद में कंट्रोल एस से मैं सेव कर रहा हूँ और फिर इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी फोटो यहाँ पर आ गई। बीच में जो ये इसका कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका बार वाले का जो लाइन है यहाँ पर वो भी रेड कलर के अंदर स्ट्रोक दे देते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट की, कि सर्किल के ऊपर बाहर की साइड में या अंदर की साइड में हम टेक्स्ट किस तरह से लिख सकते हैं पाथ के ऊपर। इसके लिए आप बेसिक फोटोशॉप का टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट टूल का जो वीडियो था वो आप जरूर देखें, जिसके अंदर मैंने पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखना बताया था। तो टेक्स्ट टूल को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में ये जो बाहर की साइड में यहाँ पर है इलिप्स वन, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जैसे ही पास में जाएंगे, ये देखिए नज़दीक में आ रहा है, जैसे ही कर्सर नज़दीक में आते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर लिखना स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं ब्लैक कलर के अंदर या रेड कलर के अंदर लिख सकते हैं आपके इस आप इस तरह से यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट की साइज आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बड़ी साइज है तो कंट्रोल ए सी, और फिर यहाँ से वी कर रहा हूँ तो पेस्ट हो रहा है, ये पेस्ट टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में बड़ा हो गया। अब कंट्रोल के साथ में एंटर में दबा रहा हूं और जो टेक्स्ट सर्किल पे लिखा है उसको थोड़ा अंदर की साइड में इस तरह से लेके आ रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट मैं इसको मिटा देता हूँ, अब अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं आपको क्या लिखना है। अब इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। तो ये मैंने लिखा, कलर इसका यहाँ पर व्हाइट मैं कर देता हूँ, ओके। और बीच में अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, किसी भी इलिप्स वगैरह को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। कोई सिंबल वगैरह आप लेके आना चाहें वो भी लेके आ सकते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार इस रास्टराइज करने के बाद में यहाँ पर जो ट्रायंगल्स हैं इन सभी के अंदर जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर लिया है इसका जो बॉर्डर है अगर आप रेड कलर के अंदर यहाँ पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सब पॉलीगोनल जितने भी है इनको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊं, यहाँ से आप सिलेक्ट करें, फिल्टर शेप लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सब शेप लेयर आ जाएंगे, सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको रेड कर देंगे, कंट्रोल एस डब्ल्यू, तो यहाँ पर सब रेड कलर के अंदर आ गए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है रेड कलर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैंने बनाया है, लेकिन इसके अंदर आप इसी तरह से लोगो बना सकते हैं अपने स्टूडियो का, कोलार्ज बना सकते हैं सर्किल के अंदर, इस तरह से अपने अलग अलग फोटो बना करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। एक हिंट है ये आपके लिए, तो फोटो लगाएं या फिर नंबर लगा के व्हील ऑफ फॉर्च्यून बनाएं, ये आपकी इच्छा है। अब मैं एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर एक क्लिक के अंदर कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे, इसकी साइज फिक्स रखेंगे, मान लीजिए 1000 रख रहा हूँ मैं, ये 200 रख रहा हूँ, तो ये मैंने 200 पिक्सल रखा, हाइट ज़्यादा ही करेंगे, इसके अंदर पूरा जो आएगा होगा उतनी हाइट रखेंगे। तो ये हमने बनाया। अब ठीक ऐसे कैसे स्टेप एंड रिपीट का तरीका कंट्रोल अल्ट के साथ टी यूज करते हुए आगे ले रहा हूँ मैं, और शाम पे यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब इसी तरीके से पूरे के अंदर ये बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से मैं मर्ज कर दूंगा और स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर फिल्टर के अंदर जाएंगे, डिस्टॉर्ट, पोलर कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर टू पोलर, ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक क्लिक के अंदर यहाँ पर आपका ये बन गया। फिर उसके बाद में इलिप्स टूल यहाँ पर यूज करके सेम वही प्रोसेस अपना सकते हैं, और इनके अंदर अगर आप नंबर पहले ही डाल देंगे तो नंबर भी इस तरह से फिर आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जरूरी है जो मैंने नया डॉक्यूमेंट लिया है उसके अंदर 2000x2000 का जो है हाइट और विड्थ लिया, मतलब सेम रखा है, तो आप भी इसको सेम रखें, अगर सेम नहीं रखेंगे तो ये गोल नहीं होगा, अंडे की तरह हो जाएगा फिर।
अब देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कलर व्हील भी बना सकते हैं। यहाँ से इलिप्स टूल मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में ये एक इलिप्स बनाया। इसका जो बॉर्डर है इसको तो मैं बढ़ा देता हूँ, कलर इसका ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से फिल इसको बिल्कुल नहीं करते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ से भी ये लेके आ सकते हैं, ग्रेडिएंट लेकर आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ग्रेडिएंट है और इसके अंदर जो ऑप्शन है रेडियल एंगल, ये एंगल ग्रेडिएंट अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आप कलर व्हील भी लेके आ सकते हैं। इसकी साइज बिल्कुल कम कर देते हैं। इस तरह से कलर व्हील भी आपका तैयार है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें, दोबारा से इस वीडियो को रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। ये जो हमने पढ़ा था, जो मैथमेटिक्स जो डी होती है, क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 और फिर 180 डिग्री। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं 2000 x 2000 2000 x 2000।